हर संगे जीव ये लिखत 26 सावन 66 संमत 11 कदों दी लिखते आ 26 सावन 66 संमत 11 दिन दिता गया 26 सावन 66 संमत 11 टाइम दिता पिंड ढिलवां पिंड केड़ा ढिलवां जिला कपूरथला जिला केड़ा सीगा कपूरथला चरण कौर दे ग्रह ढिलवां पिंड दे विच जिला कपूरथला दे विच 26 सावन 66 संमत 11 नूं चरण कौर दे ग्रह ये विहार होया ये सारा लेख लिखा गया इसका की भाव सी क्यों लिखा किन्ने लिखाया किदे वास्ते लिखा गया उस चीज वास्ते लिखा गया जिदे बारे दे विच पिछले वेद शास्त्र ग्रंथा दे विच कोई वेरवा नहीं मिलता कोई पिछले वेदा शास्त्रा ग्रंथा दे विच कोई वेरवा इसका नहीं मिलता क्यों जिन्हें चार वेद ने छे शास्त्र ने 18 पुराण आ रामायण आ गीता वा अंजील आ बाइबल आ कुरान आ साहब गुरु ग्रंथ साहब आ सिमरतियाँ ने यह सारा कुछ ही पढ़ लो किसी दे विच ये लेख नहीं दिता धरनी कहे ये 24 नंबर ग्रंथ सारा ही धरनी दे नाल ज़्यादातर पढ़िया पिया खुशियां नाल हसी बसुदा खुशियां दे नाल कौन हसी बसुदा धरती धरती कादे नाल हसी आ खुशियां नाल कादी खुशी हुई उहनूं धरनी धरत अपनी खुशी बनाई है ये मिट्टी खाक जिहड़ी आ इन्हें अपनी खुशी बनाई इन्हें खुशी हुई क्यों खुशी हुई मेरा भाग होया उदा मेरा भाग की हो गया उदय होने लगा अजा करो उठा उदय अस्त प्रभ देवे माण मिटाई भाग च उठ गया लेकिन चढ़ गया चाहे उदय हो गया चाहे अस्त हो गया चाहे सवेरा होवे चाहे शाम होवे और मैं भागा वाली बन गई हाँ ये गल कौन कह रही है धरती कह रही है उदय अस्त प्रभ देवे मान वडियाई है फिर सुबह शाम वडियाई कौन दे रहा प्रभ वडियाई कौन दे रहा प्रभ मैनू इशारा दे के गया बुद्धा धरनी की कहते हैं कि मैनू उस वेले इशारा कौन दे के गया सी इशारा कौन दे के गया धरती नू महात्मा अगले अगले गल करोगे कि पिछले भी करोगे धरनी धरती नू इशारा कौन दे के गया महात्मा बुद्ध दे के गया और की दस्या उन्हें बुद्धि तो परे ध्यान लगाई किथे ध्यान रखाया दा बुद्धि तो परे भेव अभेदा खोलिया गुजा फिर बुद्ध ने की कीता भेव ओ अभेद खोलिया गुजा जिहनूं कोई जान नहीं सी सकदा परदा परदियां विचों चकाई वो भेद जिहड़ा पर्दा सी वो पर्दे दे विच्चों चुकिया हस के कहा जिस वेले कलयुग कूड़ होवे जुगा जदो कलयुग कूड़ दा युग होया वक्त होया धर्म दी तार नज़र कोई ना
उस वेले कोई धर्म की धार नज़र नहीं आनी। ज्योति जोत स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर, देवन हारा साचा वर, सच दा संग आप बनाई है। धरनी मिट्टी खाक जो है लिखत बड़ी मिट्टी खाक बोलती नहीं, सारे सोचते कि मिट्टी खाक किदा बोलू, कौन गल करू, ये मिट्टी दी पकार है। ये गल रसूले पाक हजरत मोहम्मद साहब दी है कि जदों ने कहा कि मेरा अल्लाह धरती ते आया, इमामे मेहदी धरती ते प्रगट होया, उस वेले ये धरती धरती भी बोलूगी, ये मिट्टी खाक बोलूगी, उसका लेख पूरा किया। धरनी कहे मेरी पवित्र होई मिट्टी खाक, धूड़ी धूड़ होके मिट्टी खाक नू प्रभ चरण मिली सरनाई है। इन्नी कु गल जे समझो, अगली पिछली लिखत पढ़न दी जरूरत नहीं। धरनी कहे मेरी पवित्र होई मिट्टी खाक, धरनी दी मिट्टी खाक जो है की होगी, पवित्र होगी, पाक होगी। कादे ना पाक होई है, होई पाक, पवित्र होई मिट्टी खाक, धूड़ होके मिट्टी खाक नू बिल्कुल धूड़ी बन के चरण थले आके मिट्टी खाक नू की मिली आ, प्रभ चरण मिली शरण आई आ, मैनू परमेश्वर दे चरणा दी की मिल गई आ, शरण मिल गई। जद किसी नू शरण मिल जाए, जदों किसी दी शरण दे विच चले, तुसीं कोई आ किसी तगड़े बंदे दी पनाह लै लो, तगड़े बंदे दे शरण च चल जाओ, वो आंदा भी दुश्मनां नू मैं नजिठ लूँगा तो तू रुमान ना पै जा। तो जिन्हों परमेश्वर दी शरण मिल जाए उन्हों मुड़ के किसी अवतारा पैगंबरां गुरुआं दी मनौत दी जरूरत नहीं रह जाती। जिन्हें पार ब्रह्म दी मनौत करनी आ, उन्हें पंज तत् शरीरां दी नहीं करनी, जिन्हें पंज तत् शरीर दी करनी आ, वो पार ब्रह्म दी मनौत नहीं कर सकता। धूड़ हो के मिट्टी खाक नू प्रभ चरण मिली सरनाई आ, पूर्व पूर्व पूरा करे भविख तवाक। होने नहीं गा पिछला जड़ियाँ पछीन गोईया हुई पूर्व दे पूर्व दा ही पहला ही जो भविख तवाक होया सी उसनू पूरा किया जा रहा, बुद्ध रहा समझाई आ। ये किन्ने धरनी कहिंदी पे मैनू किन्ने समझाया, महात्मा बुद्ध ने जो तेईया अवतार सी। वाकया बुद्ध रहा समझाई आप किस तरह होना, सतगुर शब्द दी धार आया नाल इतफाक, सतगुर शब्द दी धार आया नाल, आया किहे दे नाल आया, प्रभ दी गल चल रही है तो वो किस तरह आया, सतगुरु शब्द दी तार आया नाल इतफाक, इतफाकिया सह सुभाव, इतफाकिया अपना खेल खिलाई है। की कर रहा परमेश्वर, इतफाकिया ही अपना, किसी नूं कुछ पता नहीं सी कि परमेश्वर धरती ते उन्हां पछीन गोईयां सब ने दित्तियां सन। हजरत मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि 14वीं सदी के अंत ना वो गल करूगा, क्राइस्ट ने भी कहा, ईसा मूसा मोहम्मद ने जद कहा, तो राम ने भी कहा, कान ने भी कहा कि मेरे तो बाद मेरा काना दा कान आऊगा। इतफाकिया अपना खेल खिलाई आ,
भगत सहेले तके चाक किन्हां नूं देखणा उहने जदों परमेश्वर ने जिहड़े उहदे उहनूं याद करदे ने किहनूं याद करदे ने कल्ले अकाल पुरख नूं कि संत महापुरश नूं याद नहीं करदे ਉਹ ਸਵਾਰਥ ਆ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮਨੌਤ ਕਰਨੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗਤ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਸਹੇਲੇ ਤੱਕੇ ਚਾਕ ਉਹ ਚਾਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੱਕੇ ਚਾਕਰੀ ਸਭ ਦੀ ਖੋਜ ਖਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਚਾਕਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੇਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਚਾਕਰੀ ਸਭ ਦੀ ਖੋਜ ਖਜਾਈ ਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪਾ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵਣ ਹਾਰਾ ਸਾਚਾ ਵਰ ਸੱਚ ਦਾ ਦਰ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਦਰ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਆ ਧਰਨੀ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਦਰ ਹੋਵੇ ਪਵਿੱਤ ਧਰਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਆ ਦੁਆਰਾ ਵਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਵਾ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਤਤ ਪਨੀਤ ਦਏ ਵਡਿਆਈ ਪਤਤਾ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੇ ਵਡਿਆਈ ਆ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਤਖਾਣ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਜੱਟ ਸੀ ਜੱਟ ਔਰ ਤਖਾਣ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਅਖੀਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੱਟ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਆ ਜੱਟ ਦਾ ਅਤੇ ਜੱਟ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਦ ਜੱਟ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨੇ ਧਰਨੀ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਦਰ ਹੋਵੇ ਪਵਿੱਤ ਪਤਤ ਪਨੀਤ ਦਏ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨ ਭਗਤਾਂ ਕਰੇ ਹਿੱਤ ਉਹ ਜਨ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਿੱਤ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਨ ਭਗਤਾਂ ਕਰੇ ਹਿੱਤ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਲ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਪ ਮੇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਆਪ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਸਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਨਿਤ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਸਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ
सदा वो नित रोज दर्शन देंदा निज लोचन नैन नैन उठाई वो अंदरला जरा निज नेत्र आ दिव दृष्टि थर्ड आई आ जिन्हों केंद्र अंदरली अख के नाल दिसदा वो उन्हों का खोल दिता तो उन्होंने उन्होंने अंदर दर्शन देता। अठाई आ जन भगत वसे काया विच जन भगत कितने वसदा काया दे विच पंज तत् शरीर दे विच अपने भगत के गुरमुखा दे वसदा जन भगत वसे काया विच अमृत अपना आप सुहाई आ जिहड़ा अमृत आ वो उन्होंने अंदर उन्हें परमेश्वर ने आप सुहाया भगतों के अंदर अमृत जिहड़ा आप सुहाया उन्होंने जुक्ति करके अपनी नाभी तो उठ के साधना करके उन्होंने अपना अमृत प्राप्त नहीं किया। सुरती शब्द लए खिच क्योंकि शब्द नू नाल लियाया सी परमेश्वर सुरती नू जिहड़ा की सीगा नाल परमेश्वर शब्द नू नाल लिया सी फिर की आ सुरती शब्द लाए खिच सुरती नू फिर कौन खिच ला रहा शब्द सुरती नू कौन खिच ला रहा शब्द लाए खिच प्रेम प्रीति विच बंधाई है फिर सुरती नू खिच ला के तो सुरती नू प्रेम प्रीति विच बंधिया कादे विच बंधिया सुरती नू प्रेम प्रीति विच बंधिया किस तरीके दे नाल प्रेम प्रीति विच बंधिया मेहरवान बन के मेहरवान बन के उदा परमेश्वर सदा ही मेहरवान वे मेहरवान बन के तुहाडे नाल सामने मुखातब होया किहदे घर चरण कौर दे ग्रह कौन पर मुखातब होया परमेश्वर मुखातब होया जिन्हों जगत अखरां दे विच महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान कहिंदे मेहरवान बन के पित पत परमेश्वर दे वड्याई फिर पत परमेश्वर की दे रहा अपने भगतां नूं वड्याई दे रहा जिन्हां नूं मेरे जिन्हां नूं मेरे उत्ते लावे अंगे अंगीकार एक अखवाई पत परमेश्वर दे वड्याई आ ज्योति जोत स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर देवन हारा साचा वर सच दा संग आप बनाई आ सर्वात्मा दे परमात्मा ने अपनी कृपा करके सच्चा वर दिता और अपना सच दा संग बनाया धरनी कहे प्रभु दे भगत सहेले चंगे धरनी की कह रही है प्रभु दे भगत सहेले की आ चंगे हर देवे माण वडियाई है परमेश्वर इन्हां नूं की दे रहा माण वडियाई दे रहा जिन्हां नूं मेरे उत्ते लावे अंगे भी जिन्हां नूं परमेश्वर मेरे उत्ते की ला रहा अपने अंग नाल ला रहा अपने बना रहा जिन्हां दे नाल उह अपना प्यार कर रहा अंगीकार एक अखवाई आ दो नहीं अंगीकार एक अखवाई आ एक अखबार आ वो की दे कर रहा पिंड ढिलवां जिला कपूरथला चरण कौर दे ग्रह उत्थे परमेश्वर की सा सनमुख साख्यात मौजूद सीगा सनमुख साख्यात मौजूद सीगा धरनी कहे प्रभु दे भगत सहेले चंगे हर देवे माण वडियाई आ जिन्हां नूं मेरे उत्ते लावे अंगे अंगीकार एक अखवाई आ वो एक अंगीकार भगतां नूं अपने अंग नाल लाउण वाला अपने बनाउण वाला एक अखवाउंदा कोई परमेश्वर दो नहीं हुंदा साहिब सतगुरु बन सूरा सरबंगे साहिब सतगुरु बन सूरा सरबंगे सब कुछ करन करावण वाला बली सिर सिरे अपना हाथ टकाई आ भगतां दे की कर रहा सिर दे उत्ते अपना हाथ टकाई ओढ़न बिन
ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨੰਗੇ। ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਓਡਣ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮੀ 2000 ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1976 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਨੇ, ਖਚਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਸੀਟੀ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਨ ਓਡਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨੰਗੇ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਮਿਹਰ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾਈ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਵਕਤ ਲੰਘੇ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਨਮ ਦਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਹਰ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾਈਆ ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਵਕਤ ਲੰਘੇ, ਭੱਜੇ ਬਣ ਕੇ ਪਾਂਧੀ ਰਾਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੁੱਗਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੰਧ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਮ੍ਹਾ ਲਮ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਰੰਗਾਏ, ਹਰ ਲਮ੍ਹਾ ਲਮ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਹ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗਣਾ 'ਚ ਰੰਗ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਰੰਗ ਰਿਹਾ? ਧਰਨੀ ਨੂੰ। ਧਰਨੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੰਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰੰਗਣਾ ਚਾੜ ਸਕੇ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਛ, ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਛ, ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ 2-4-10 ਘੰਟੇ ਵਕਤ ਜਾਂ 15-20-25 ਜਾਂ 40-50 ਘੰਟੇ ਵਕਤ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ ਮੰਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੜਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਖੜਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੈਚੁਰਲ ਆ ਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਦ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਅੰਤ ਕੰਤ ਭਗਵੰਤ ਆਇਆ ਉਸ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਅੰਤ ਕੰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਉਸ ਬਿਆਸ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਕੰਢੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਖਿਲਾਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਉਹਨੇ? ਆਪਣਾ ਕੰਢੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਵੰਡ ਕੇ ਗਿਆ ਵੰਡੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਆਸਾ ਤੋਂ ਉਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਆਸਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਿੱਲਾ ਚਿੱਲਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਰਖਾਈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਚਿੱਲਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਲੀਕ ਮਾਰੀ
शब्दी तार खंडे लीक कादी मारी शब्दी खंडे दी जगत वाले खंडे दी नहीं लोहे दी तार वाले खंडे दी नहीं शब्दी तार वाले खंडे दी क्योंकि सतगुरु पूरा सीगा जे सतगुरु पूरा सी तो धीर मलिया ग्रंथ नहीं दिता तो उन्हें कहा भी जे गुरु आत आपे लिख ले तो वो मुड़ के साहब गुरु ग्रंथ साहब की रचना जड़ी सी वो साहब गोविंद पातशाह ने फिर आप पहले सफ़े तो लैके अखीरले सफ़े तक की एक कन्ने का फर्क रखा क्या फर्क रखा एक पहले जोड़ा पुराना ग्रंथ से वो नालों एक कन्ने का फर्क रखा फिर नाल ही हुक्म देता अज तो बाद उन्हों कोई नहीं पढ़ूगा जोड़ा असी लिखाया गुरु ग्रंथ की रचना की इसे संसार पढ़ूगा संसार उसे पढ़ता पहले लिखाए न कोई नहीं पढ़ता लीक मारी शब्दी तार कंडे खंडे खंडा खड़ग खड़ग चमकाई आ वो निर्गुण तार का खंडा जड़ा सी फिर खड़ग खड़ग जड़ी है वो चमकी मेरा मालक खालक स्वामी सतनाम सच जन भगतां आप वंडे साहब गोविंद पातशाह ने की कहा कि मेरा मालक स्वामी सतनाम सच जिहड़ा सतनाम सच्चा सतनाम सच जन भगतां आप वंडे फिर जन भगतां नूं अपना सच्चा नाम परमेश्वर आप वंडू आप दऊगा वंडन हार आप खवाएगा भगतां नूं नाम वंडन वाला वो आप खवाऊगा भगतां नूं नाम वंडन वाला कौन खवाऊगा परमेश्वर स्वयं आप खवाऊगा भगतां आप वंडे वंडन हार आप खवाइया जिसदा खेल सदा ब्रह्मंडे पूरी लोक खोजे चाई जिसदा खेल जड़ा सदा ब्रह्मांड ब्रह्मांड उपर भी आ ब्रह्मांड पांच तत् शरीर भी आ जितनिया पुरियां लोहां ने दे कोने गोशे ने बाहर पुरियां लोहां उपर ने सारे दी ओ खोज करेगा कोई जगह नहीं छड़ेगा हर जन साचे चाड़े नाम दे डंडे अपने फिर प्यारियां नू जेड़े प्रभु दे प्यारे जेड़े जुगो चुकी उहदे वास्ते समा बताउंदे रहे ने उन्हूं याद करते रहे फिर उन्हां नू केड़े डंडे ते चाड़ूगा अपने नाम दे डंडे ते चाड़ू डंडावत अपनी दया समझाई है उन्हें भगतों ने फिर जी डंडावत है जी वंदना करते रहे उन्होंने याद करते रहे लम्बे पै पै के जुगो जुगी सत जुग त्रेता द्वापर कल युग दे विच फिर उन्होंने डंडावत अपनी समझाऊगा कि तुसी परमेश्वर कहिंदा कि मैनू ही एक सीस नूं आउणा इक्को डंडवत होना होर किसी लम्बे पै के सीस पंज तत् व्यक्ति नूं चुकाउणा नहीं मनौत की करनी आ पार ब्रह्म पार ब्रह्म कित्थे आ तुहाडे अंदर आ पार ब्रह्म कित्थे आ तुहाडे पंज तत् शरीर दे अंदर आ अंदर अंदर दी अंदर अंदर वाले ने करनी आ आत्मा कित्थे आ अंदर आ परमात्मा कित्थे आ अंदर आ शब्द कित्थे आ अंदर आ निर्गुण निरंकार पार ब्रह्म कित्थे आ वो भी अंदर अंदरों ही अंदर वाले परमेश्वर की प्राप्ति करनी आ बाहरों कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है पूरी लोक खोजे चाई चाइया हर जन साचे चाड़े नाम दे डंडे डंडावत अपनी दय समझाई आ ज्योति ज्योत रूपा राप अपनी कृपा कर एका देना साचा वर एका देना नेक लंक परमेश्वर किया नेक कलंक क्या उन्हों कोई कलंक नहीं वो तन वजूद शरीर नहीं जे परमेश्वर तन वजूद शरीर वाला नेक कलंक होगा तो उन्होंने कोई कलंक होना ही है किसी ने कहना यह हिंदू आ किसी ने कहना मुस्लिम आ किसी ने सिख किसी ने ईसाई किसी ने बोधी किसी ने उन्होंने शरा के हिसाब के नाल याद किया जाना जो नेक कलंक आनू कोई कलंक नहीं निर्गुण आ नारायण आ सदा रहने वाली तार आ नर का नर आ महाराज सारे राजा शेर सिंह पैदन
समर्थ ताकत कोई तन वजूद शरीर जां व्यक्ति जां किसी इंसान नूं नहीं किया गया। विष्णु सब दी प्रित पालना करने वाला सब दा प्रित पालक पालक क्या ओ विष्णु आ विष्णु देवता नहीं विष्णु ब्रह्मा शिव वाला देवता नहीं सब दा प्रित पालक विष्णु भगवान आत्म परमात्म आत्म परमात्म परमात्म आत्म इहदे विच बड़ी कुंडी है। जद आया प्रगट होया फिर की होया आत्म परमात्म आत्मा नूं सामने आमो सामने आया परमेश्वर आत्मा ने परमेश्वर नूं वरिया और ये सारी तार इस तरह ही चलती है। आत्म परमात्म परमात्म आत्म परमेश्वर आत्मा लई थले उतरदा निर्गुण तार विचों वैकुंठ चों सचखंड दे विचों आत्मा जिहड़ी आ मातलुक विचों उहनूं परमेश्वर नूं मिलती है। आत्म शरीर हुंदा तां आत्म फिर वह परमात्मा नूं याद करदे आ फिर परमात्मा किहदे लई उतरदा आत्मा लई उतरदा आत्म परमात्म परमात्म आत्म तार निर्गुण निर्गुण आपे गंढे यो एक गल मुश्किल है जिंदी समझ नहीं लगती। शरीर शरीर तो चलता ही है पिछे लेकिन जब सुरती गंढदा तो आत्मा गंढदा तो आत्मा सरगुण आ आत्मा शरीर आ हूँ सारे चुप आ कि आत्मा शरीर आ आत्मा की आ निर्गुण लाइट आ प्रकाश है नूर आ शरीर के अंदर तो परमात्मा की आ नूर आ वह भी निर्गुण आ निर्गुण नूं निर्गुण दे नाल गंढ पैंदी है। आत्मा नूरी आ परमात्मा नूरी आ शब्द नूरी आ वह खिच पाउंदा और नूरी ना नूरी दी गंढ पैंदी आ। निर्गुण निर्गुण आपे गंढे गंढण हार गोपाल स्वामी अपनी दया किदा किदा गंढे उन्हें अपनी दया ना कृपा ना रहमत की आके वरना आपे प्राणी गंढिया नहीं जाता। तुम देखो सारे सृष्टि वाले जितने भी संत महापुरश ने जेड़ा बिल्कुल सतपुरश आ वो परमेश्वर नूं याद करता जेड़ा करनी चाहता तो वह छिले कढ़दा वो छिले कढ़दा सिद्धियां करता सिद्धियां मंत्रां नूं जां अखरी लफ्जां नूं याद कर करके उन्हां नूं सिद्ध करन दी कोशिश करदा। सिद्ध करन वाला सिद्धियां करन वाला शिले कढ़न वाला जिन्हां आत्मावां नूं बदरूहां नूं अपने वस विच करदा जद उह खत्म हुंदा तां उह वी कित्थे जांदा उह किन्ना च रल जांदा जिन्हां भैण भरावां नूं अपने वस विच करदा तो मुड़ के जदों अपनी वारी आउंदी शरीर खत्म हुंदा तो उहदी आत्मा भी किन्ना च रल जांदी आ जिन्हां दे छिले कट्टे हुंदे फिर वह उन्हां दे हुक्म दे विच चलदी आ जिद्दां वह चलाउंदे ने पहलों वह उन्हां नूं चलाउंदा मुड़ के पता नहीं जुगो जुग कद तक आत्मा रहिंदी आ फिर वह उन्हां दे हुक्म विच चलदा रहिंदा। इस तरह सृष्टि आ जिहड़ा भगत आ परमेश्वर दा प्यारा वह परब्रह्म नूं याद करदा कोई किसी का शिला नहीं कटता क्योंकि परमेश्वर कभी किसी की कील दे विच नहीं आता। मोहम्मद साहब का शिला क्योंकि मोहम्मद भी वीर चाहता भैरव भी वीर चाहता हनुमान भी वीर चाहता हनुमान चालीसा कर लिया जी हनुमान वस च कर लिया हनुमान वस च करते हैं ना अखर की कील दे भगवान वस च नहीं करते ठीक है। जब तक भगवान वस च नहीं आता उन्नी देर तक मुक्ति नहीं, नहीं।, नहीं। क्योंकि जिन्ने छिले ने यह जुक्ति है जगत जुक्ति ढंग तरीका वा लेकिन परमेश्वर कभी किसी ढंग तरीके दे विच नहीं आता उन्हों भगत का प्राणी का प्यार चाहिए उन्हों की चाहिए भगत का प्यार चाहिए। क्यों बाणी च भी तुसी सुनिया कि बिना प्यार तो कोई देनी नहीं पैंदी
फीस सिख नू सतगुरु नू परमेश्वर नू बिना प्यार तो कोई फीस देनी नहीं पे। इस करके हर संगत ही परमेश्वर ने इको ही गल कही सी सतयुग का मार्ग निर्गुण जोत अकाल पुरख का ही केवल किदा इष्ट मनना निर्गुण जोत अकाल पंच तत् शरीर का इष्ट नहीं रखाया। सतगुरु केवल शब्द नूं मनना जिस शरीर विच प्रगट होवे उस दा सत्कार करना। तीसरा आत्मा परमात्मा दा मेल करना। गुरसिख ने गुरसिख दे नाल जम्मू वालियां दा तो बहुत हो गया गुरसिख ने गुरसिख नाल प्यार करना। सारी मानव जाति दे नाल परमेश्वर दा रूप जान के सारी मानव जाति नूं तो उन्हां दे नाल की करना प्यार करना। ते तुसीं गुरसिख गुरसिखां नाल ही कर लो अपने हित अपनी जिदा अपनी अणख पकाउण वास्ते संगत नूं धड़ियां दे विच ना वड़न की कोशिश करो। बाकी सिखी नूं चाहीदा जे तुसीं परमेश्वर दे जे फिर तुहाडा किसे व्यक्ति नाल वास्ता नहीं। जे व्यक्तियां दा धड़ा पालना फिर रब दे नाल नहीं। जे रब दा धड़ा पालना तो फिर बंदियां दे नाल कोई धड़ा नहीं। इन्हां नूं आपो अपनी नजिठण दिओ जिद्दां इह करदे इन्हां नूं अपने लैवल ते करन दिओ। जिहड़े पंज छे चार बंदे रह जांदे उह बंदे रह जांदे। परमेश्वर और भगती मार्ग परमात्मा दा मार्ग इक वक्खरा राह वा। जगत दी जिहड़ियां जिद्दां शरीके रिश्तेदारियां दे विच अपने आप नूं वड्डियां साबित करना सच्चा साबित करना एक दुनियावी पक्ष आ उह तुसीं अपना वक्खरा करदे रहो। विकियां दी कमेटी बनी आ उहदे विच अपना केस रख दिओ ते जो उहदे विच फैसला हुंदा फिर उहदे फैसले दे नाल चल लो। जे बाकियां लई विकियां दी कमेटी चलनी आ तो सारिआं वास्ते ही चल सकदी आ उहदे मुताबक चलो ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਘਸੀਟੋ। ਹੋਰ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਲੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 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 ਸੋ ਹਨੁਮਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨ ਸੋਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ